Aquafaba in Indian office is going to be taxed. Any amount, any receipts which you have in excess of 50,000 rupees, which is not from relatives and which is without consideration, they are income. One major change that has happened in this budget is that from the next year, earlier this was only applicable to individual HFCs. The partnership from apply नहीं करता था companies को apply to a limited extent करता था. अब उसको amendment कर दिया कि सारों को apply करता है. तो इसीलिए we will have to really please upgrade your knowledge onto the fact कि जैसे trust है, जैसे हम तो कहते हैं छोटे-छोटे हम देखते हैं हम Rotary Club के member हैं. हम मतलब Rotary Club में भी पैसा मिलता है हमारे को, तो किसी भी purpose से मिलेगा, receipt from anybody. In excess of, when the total amount is in excess of 50,000, what is the status thereof? So that is something which you have to work. Okay, jewelry is one issue I would like you to have valuation done on 31st of March. If not every year, every third year. Jewelry ki valuation har 30 saal karwa lijiye, it is not a very expensive proposition. Mera idea rehta hai, 3 saal mein agar aap kara lenge. Ab to pehle hum concept ye rakhte the ki 6 saal ke baad tak to department hame haath nahi laga sakta. Now 6 saal wala period has been extended to 10 years. इन केस ऑफ सर्च, अगर आपके केस में सर्च है तो 6 साल से 10 साल के बीच के पीरियड के अंदर में भी अगर आपके पास में ज्वेलरी वगैरह है, यू कैन आस्क यू एन एक्सप्लेनेशन. सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो आपको पालनी है, तो इसीलिए थोड़ा सा ज्वेलरी की वैल्यूएशन करके अपने पास रखिए. अब तो आपको ना वेट टैक्स लगता है ना कुछ लगता है. सो यू आर स्टिल अ वेरी हैप्पी पर्सन, बट स्टिल देयर इज अ प्रूफ ऑफ सेइंग दैट यू ओन दिस ज्वेलरी फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स. शेयर की डिमैट अकाउंट को अपडेट कर लीजिए, बिकॉज एज इट इज शेयर के केस में वेन वी सेल ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज अभी तक 1038 में हम एग्जम्प्ट थे. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 12 महीने से ऊपर शेयर होल्ड किए हैं हमने. इफ यू कैन शो 12 महीने के ऊपर है तो इट इज टैक्स फ्री. अगले साल में इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट आई है. उन्होंने कहा है कि 1/10/2004 के बाद खरीदे हुए शेयर में आपने परचेज पे एसटीटी भरा कि नहीं भरा, ये हमको शो करना पड़ा. So please don't destroy any records relating to purchase, however old they may be. This is a very major change which can have repercussions in the future. 12 महीने का period is the same. 12 अगर आप share hold करते हैं 12 महीने से ज़्यादा और stock exchange पे बेचते हैं, STT payment करते हैं, तो they are exempt. लेकिन अगर आपने उसको 1/10/2004 के बाद खरीदा है, तो आपके responsibility है show करने की कि उसके ऊपर में STT paid है. So you may end up with some kind of a problem because of this amendment, but be prepared to at least find some documents to substantiate this if it is required. Capital gains में तो इस साल उन्होंने बहुत सारे changes कर दिए जो अगले साल हमको benefit मिलेंगे. सबसे important change कर दिया कि the time period for holding of long-term assets has been reduced to 24 months instead of 36 months. तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जिसका कि 36 मंथ्स नहीं हुआ है, 24 मंथ्स क्रॉस हो गया है, एक महीना पोस्टपोन कर लीजिए. वेरी सिंपल, सो दैट इट बिकम्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इफ यू सेल आफ्टर अप्रैल, सो यू आर एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स देयर. सेकेंडली, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं, आज के माहौल के हिसाब से एवरीथिंग इज अंडर स्क्रूटनी. काफी सारे लोग पूछने आते हैं कि मेजर परचेजेस, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट इस फेज में करें. कुछ लोगों का सोचना है कि व्हाई डू यू वांट टू अट्रैक्ट अटेंशन, हर चलो रजिस्ट्री अगले साल कर लेना. बट यस, इस पीरियड में रजिस्टर करने से इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, बट दैट इज समथिंग विच यू कैन टेक अ कॉल ऑन हाउ कंफर्टेबल आर यू. इफ योर अकाउंट्स आर क्लियर, इफ यू हैव एवरीथिंग, इफ यू हैव नथिंग टू हाइड, योर टैक्सेस आर पेड, गो अहेड रजिस्टर, देयर इज नो प्रॉब्लम. बिकॉज कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट आपको अगले साल ज्यादा मिलेगा, बिकॉज बेस ईयर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम 81 टू 2001. तो इसीलिए अगर आप सेल करने जा रहे हैं कोई प्रॉपर्टीज, तो मेरा एडवाइस है कि उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर लें. कुछ लोग जो डेवलपमेंट अग्रीमेंट में जाते हैं, उनके लिए स्पेसिफिकली ये अमेंडमेंट आई है जो अच्छी है मेरे हिसाब से. डेवलपमेंट अग्रीमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं इस महीने में, तो उसको पोस्टपोन कर लीजिए, बिकॉज योर टैक्स लाइबिलिटी मे गेट डिफर्ड इन दैट केस. सो दैट इज अ गुड amendment that has come in this year. Annual information report एक छोटी सी requirement है, compliance है law की. Generally तो वो
companies, the larger companies and the banks and mutual funds and all these people are more tuned to do that. However, last year there was an amendment regarding two issues. Any company, I repeat, any company, if it receives more than 10 lakh rupees from a shareholder for issue of shares, any company receiving more than 10 lakhs from a shareholder for issue of shares has to file AIR report. So, listed ki baat nahi kar rahe, any company ki baat kar rahe. Second, if you receive cash from any particular person in excess of 2 lakhs during the financial year, and your accounts have to be audited under 44A, you have to file AIR. Two major amendments which are there, which are naturally missed because normally hum AIR ki information file nahi karte. AIR information is to be filed in August, but ye compliance ko thoda sa dekh lijiye because har jagah pe ab hamari sari jo scheme hai wo compliance related. Government ne bada acha kaam kiya, apne sare kaam band kar diye sir. Government kuch nahi karti hai, sirf tax collect karti hai, tax administer karti hai. Uske collection aap karte hain, implementation ka responsibility aapka hai, रिटर्न फाइलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. अगर आप कंप्यूटर को समझा सके तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, गवर्नमेंट की नहीं है. सो यू हैव टू नाउ बी वेरी श्योर दैट अगर आप कंप्लायंस करते रहेंगे टाइम पे नोबडी विल ट्रस्ट यू. सो नाउ द रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आई थिंक हैज बिकम इवन मोर. पहले क्लाइंट आता था वो अपनी प्रॉब्लम लेके आता था. आई थिंक नाउ इट इज टाइम दैट वी नीड टू नाउ गो बैक टू अवर क्लाइंट. We have to educate them more than what it is there. Ye aapki obligation hai. Please complete it. Although it is expensive for the client, but then I think we have, that is the way businesses are going to run in the future. Choti choti cheeze hoti hai, like obtaining a disability certificate. Unfortunately, kisi ke family mein, if anybody is disabled where they, there's a, you want to take a benefit for income tax also. In that case, obtain the disability certificate so that you can show that it is there. Do kaam sab ke liye hai. All SSEs, do kaam bahut important. Apne CA ya apne tax advisor ke paas jaiye aur unko boliye ki mere website pe mere account mein login kariye, usme dekhiye ki koi pending action pada hua hai. बहुत सारे केसेस में देर हैव बीन क्वेरीज विच हैव बीन रेज्ड बाय द डिपार्टमेंट बट वी हैव नॉट रिप्लाइड. लाइक फॉर एग्जांपल, कई केसेस में जब हम रिटर्न नहीं फाइल करते, पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर लिया हुआ है लेकिन रिटर्न नहीं फाइल कर रहे, उसमें कहीं ना कहीं से कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही वगैरह. सो देर इज अ क्वेरी विच द डिपार्टमेंट इज रेज्ड, ई सहयोग. सो प्लीज गो टू योर टैक्स कंसल्टेंट, प्लीज गो टू योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आस्क हिम टू लॉग इन. वो कितने लोगों को लॉग इन करके आपको फोन करके तो बोलेगा नहीं कि साहब आओ आओ. इट इज बेटर नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन असेसी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्लीज गो टू योर चार्टर्ड अकाउंटेंट, आस्किंग टू लॉग इन इन टू योर वेबसाइट, चेक इफ देयर इज एनी कंप्लायंस विच इज पेंडिंग, प्लीज अपडेट दैट कंप्लायंस. रिस्पॉन्ड कर दीजिए, नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे तो कहीं ना कहीं नोटिस आएगा, यू विल कम विद इन द एम्बिट ऑफ सम वोटर. अननेसेसरी इश्यूज है वो, लेकिन इसको कंप्लाई करिए. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्रेसिस की वेबसाइट पर लॉग इन करिए, देखिए आपकी पुरानी डिमांड वगैरह कितनी आउटस्टैंडिंग है. बहुत इंपॉर्टेंट काम है. अब आपको रोज नोटिस आते हैं कि आपकी ये अरियर है, पिछले 5 साल से पेंडिंग है, 2008 से पेंडिंग है, 2007 से पेंडिंग है, एंड द गवर्नमेंट इज बट नथिंग टू लूज, बिलीव मी. आपको नोटिस दे दिया, आपने रिस्पॉन्ड किया नहीं किया इज इमटीरियल, आपका रिफंड है वो एडजस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा मिल जाएगा. आफ्टर दैट द डिमांड विल बिकम जीरो. आप अगली बार खोल के देखेंगे, आप बोलेंगे जीरो हो गई डिमांड, मैं खुश हो गया, योर मनी इज गॉन. देयर इज नो सच मैकेनिज्म वेयर यू विल बी एबल टू ट्रेस बैक दैट पर्टिकुलर डिमांड. सो ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज योर आउटस्टैंडिंग डिमांड एज ऑन 31st of March. और व्हेनेवर, आई डोंट से 31st of March, आई से डू इट नाउ. प्लीज गो टू योर एडवाइजर, आस्क देम टू लॉग इन, डू दैट थिंग फर्स्ट, रिस्पॉन्स टू योर क्वेरीज, सेकेंड चेक आउट योर डिमांड्स. एक बार हिसाब लगा लीजिए, आप जितने घंटा में फाइल करते जाएंगे सारे रिफंड एडजस्ट होते जाएंगे. डिपार्टमेंट इज गॉट नथिंग टू लूज, द गवर्नमेंट इज मेकिंग गुड क्वांटम ऑफ मनी इन दिस. प्लीज डू दैट.
Now there are certain additional things. Do I have some more time? 5 minutes. There are certain additional things that are required. Demonetization hua, demonetization se काफी सारे issues raise हुए हैं. Especially cash in hand. अभी आप सबके cases में जहाँ जहाँ पे है high denomination, high transactions है, वहाँ पे सब तरफ आपको notices आ गए. अगर आपने notices, again the issue is, अगर आपको notices का आपने response नहीं file किया, so now you will be getting written notices. You may even get a visit by the person in case you are not responding. So please respond to cash notices. Please do not ignore them, because अगर आप ignore करेंगे तो आपको छोड़ के जाने वाला नहीं है, वो आ जाएगा, घर ही आ जाएगा. So that is one thing which you have to do. Secondly, please see that whatever is your deposit of specified notes. Unfortunately, अभी तक जितने notices हैं, rather I would say fortunately, उसके अंदर में specified bank notes के बारे में कोई query नहीं है. अभी तक general query आया कि आपने 5 लाख deposit किया या 50 लाख deposit किया या 5 करोड़ deposit किया cash में during the period 9/11 to 30th of December. There is no query regarding specified bank notes as of now. I will not be surprised that tomorrow, after confirming from you that you have got these cash deposits, they may come up with a next query. Next set of queries might also come. So, अपने जो deposits हैं, मेरे हिसाब से अपनी books के अंदर में confirm कर लीजिए कि 8 तारीख को इतना cash balance आपके पास available था, क्योंकि उसके बाद के खर्चे करने के लिए आपके पास में withdrawal होनी चाहिए. अगर आप बोलते हो मेरे पास 5 लाख था, मैंने 5 लाख deposit कर दिया, तो अगले 3 दिन जब बैंक बंद था तो आपने खर्चे कहां से किए? Please be very careful because people are making this mistake. I assume that people are making this mistake. Without withdrawing, the expenses are there and then you are depositing the specified bank notes. Apparent issue in hand to say that you have more money. So please be very careful about that. And the more important thing, like I said, is now it is time to establish source. जो इनके पास high deposits हैं, please be prepared to explain source. ये कह देना कि मेरे पास regular business से पैसा आया may not be enough. If you don't explain source, आपके पास में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है. Do not get into a tangle. I mean, we were just having a discussion. People were saying कि जिन लोगों ने IDS में income disclosure scheme में भी डाला है, उनको भी शायद request किया जा रहा है कि that you consider this. So, the government is not going to back down because this is the brainchild of the Prime Minister himself. So, please don't think you are going to run away from it. If you have any issues on that one, see that you are covered to the best of it. Few amendments in the current year which will impact, which you need to know because you are stepping into the next year. The first amendment, like you are very well aware, is you cannot receive cash in excess of 3 lakh rupees from one person in one day. You cannot receive cash against a single transaction in totality. आपने 7 लाख का बिल बनाया, उसमें आप 3 लाख से ऊपर कैश नहीं ले सकते, बाकी चेक से लेना ही है आपको. You cannot accept cash from one person against the same occasion. This is even more dangerous. आपने शादी करवाई, उसके लिए आपने कैटरिंग का भी काम किया, बाकी सारे काम भी किए, टोटल अमाउंट ऑफ बिल अलग अलग बिल बने, लेकिन टोटल अमाउंट उसी बात में से अगर आपका ज्यादा हुआ, तो यू कैन नॉट रिसीव. इफ यू रिसीव, यू हैव टू पे एन इक्वल अमाउंट बाय वे ऑफ पेनल्टी, व्हिच इज अ मेजर चेंज, इंपैक्ट्स यू इमीडिएटली देयर आफ्टर. यू शुड बी अवेयर सो दैट यू आर वर्किंग इन द सेम लाइन. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इज रिगार्डिंग रेंट. You are aware, rent in excess of 50,000 rupees per month, even if it is paid by an individual who is not required to deduct TDS under section 194I, jiske books are audited wagera nahi hai, aapko TDS kaatna hai 5% ka. Now what is rent? Rent ki definition bahut enlarged hai, please check kariye apne consultants ke saath mein. Ho sakta hai ki jo aap shaadi ke liye bhi hotel book karte hai, uspe aapko TDS karna hai. Aapne jo mandal karyalay book kiya ya kuch bhi kiya, uske upar bhi aapko shayad TDS काटना पड़े. सो प्लीज बी केयरफुल ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. थर्ड पी पर्सन, थर्ड कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर बिल्डर्स, बिल्डर्स होल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड, जिनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया है. अमेंडमेंट लॉ में ये हो गई कि बिल्डर के केस में जो स्टॉक इन ट्रेड है वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट
एक साल तक विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. खाली पड़ा है तो उसका नोशनल इनकम आपको गिनेंगे नहीं एक साल के लिए. लेकिन एक साल के बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट के एक साल के बाद अगर आपके पास खाली फ्लैट पड़ा है तो उसकी नोशनल इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी गिन ली जाएगी, उस पर आपको टैक्स लगेगा. सो बिल्डर्स हु हैव ऑलरेडी टेकन कंप्लीशन सर्टिफिकेट, हु हैव कंप्लीटेड वन ईयर आफ्टर टेकिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, प्लीज बी केयर. नेक्स्ट ईयर योर लाइबिलिटी बेस्ड न्यू हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो हम लोग लोन लेते थे उसके ऊपर इंटरेस्ट जो क्लेम करते थे रेंट के अगेंस्ट में नोशनल रेंट दिखा के हम लोग इंटरेस्ट क्लेम करते थे. दैट लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 2 lakh rupees विच विल इंपैक्ट योर फ्यूचर टैक्स प्लानिंग सो फार एज पीपल हैविंग मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड. ये तो मैंने आपको बता दिया कि देयर इज एन अमेंडमेंट इन लॉ विच मे रिक्वायर यू टू रिड्यूस बुक्स for more than 6 years up to 10 years. That is only in case of search. So you can very well, those who fall within that ambit will have to be careful. जैसे हम लोग ये make match meaningful करते हैं, मेरे आपसे एक simple से request है. We do this exercise on an every year basis. हर साल हम बहुत कुछ करते हैं अपने साथ. Try to maintain a small list of work you do. Start with this small little habit. Try to list out whatever you do in that one year. आप गाड़ी की इंश्योरेंस भरते हो, अपनी इंश्योरेंस भरते हो, मेडिक्लेम भरते हो, घर का टैक्स भरते हो. लेकिन बिजनेस के बारे में आपको सब कुछ आ जाता है, अपने बारे में नहीं आता. तो थोड़ा सा अपने बारे में भी एक लिस्ट बनाना शुरू कर दीजिए. जब जब आप एक कुछ काम करते हो उसकी लिस्ट बनाते जाएंगे. I think उससे ज्यादा making March meaningful or making your year meaningful or making your life meaningful will not be there. You won't be able to enjoy it much more. The biggest three to four mistakes that I think before I conclude is, first of all is, don't ignore savings. Please save as much as permissible, as much as possible. Because compounding का जो power है वो आपको आपकी old age में काम करेगा और कुछ काम नहीं करेगा. Second, do not delay filing your returns. People who have not filed the return in July or in the month of September, if they file it now, just imagine aap kitna additional bhar rahe hain. You are paying 20% more on that tax. So 20% more, one-fifth aap extra bhar rahe hain. Third, meri request hai ki do not file, rather I would say file return through a proper person who understands the return. You may feel that I am trying to promote my experience, but it is very important because aajkal return electronic ho gayi. Ek galti ke karan aap case mein aa jate ho scrutiny mein aur usse karan you have to suffer unnecessarily. Last moment ko wait karna to khair kisi ke bhi fayde mein nahi hai. So make it as early as possible, and like I said, we are also consultants, we are human beings, we can make mistakes of the last moment. So thank you. Thank you so much for this patient hearing. Thank you, BIA, for giving me a chance to speak. Thank you, friends. Actually, topic was vast. I know that actually 2 ghante mein cover karna itna vast topic. It's not an easy task, but we are trying to cover all the taxes in just 2 hours. Actually, I would request the biggest revenue provider for the state government is VAT. And to cover what are the precautions that should be taken to protect first one, GFC, Mendoji, Jain, with us, or request him for his presentation. प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी जीआईए ने इस प्रोग्राम को आयोजित किया है और ये शायद 9वां साल है और मैं इस टॉपिक पे बोलने के लिए मेरा 4वां वर्ष और मैं हर वर्ष एक ही चीज बोलता हूँ शुरुआत में कि जब भी हम परचेज करते हैं तो बिफोर मेकिंग माई परचेज ऑर्डर जिसको भी मैं परचेज ऑर्डर दे रहा हूँ उसका टीन नंबर एमवेट की साइट से आप वेरीफाई कर लें वेदर वो रजिस्टर्ड है या नहीं. ये मैं हर बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि सेल्स टैक्स के अंदर में सबसे बड़ी जो हमको दिक्कत आती है वो है सेटअप क्लेम करने की. आज तो हमने सेटअप ले लिया, रिटर्न फाइल कर दी है,
लेकिन उसके असेसमेंट होते हैं 3 ईयर आफ्टर। और जब 3 साल बाद मेरा जब असेसमेंट होता है और उसमें मेरी सेटअप डिनाई होती है, तो मेरे अगर 100 रुपए का सेटअप डिनाई हो रहा है तो मुझे कम से कम 225 रुपए की लाइबिलिटी आती, क्योंकि गवर्नमेंट की एफडी जो है वो 3 साल में डबल से ज्यादा हो जाती। तो इसमें मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है। सेल्स टैक्स के अंदर में आपको रेगुलर बेसिस पे कॉस्टल फॉलो करना है आपको एवरी टाइम एवरी मंथ, क्योंकि आपकी जैसे रिटर्न की फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, मंथली है, क्वार्टरली है, फाइनेंशियल ईयर 16-17 में आपकी हाफ ईयरली फ्रीक्वेंसी हटा दी गई है, ओनली 2 ही रिटर्न है, मंथली और क्वार्टरली। और इस साल तो गवर्नमेंट ने कैसे किया, गवर्नमेंट तो कुछ भी करता है, गवर्नमेंट ने जो पुराना एक उनका इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न का जो सिस्टम पूरा सेट हो गया था उसको ऑल ऑफ सडन स्क्रैप कर दिया और एक नया सिस्टम ले आया सेट में कि हमको जीएसटी में जाना है, लेकिन वो तो सिस्टम पूरा बना ही नहीं और उसके पहले उसको लॉन्च कर दिया। आज आप सभी देख रहे होंगे कि आपके क्वार्टर 3 के रिटर्न आपने पूरा दिसंबर का डाटा कंपाइल कर लिया रेडी करके बैठ गए, लेकिन रोज स्टेज चलती है एमबेड की साइड में, अभी नहीं हम तो आपको बता देंगे तब आप भर देना, तो आपको वो बता देंगे 25 मार्च को भी भर देना, तो आप 25 मार्च से 31 मार्च तक बाकी काम के लिए भूल जाए उसके करने के लिए प्रिपेयर रहे। तो सेल्स टैक्स के अंदर में मैं हर बार ये बोलता हूँ कि हमको 3 चीजों पर मेन ध्यान देना होता है कि हमारे बिजनेस को हमने कर लिया, बुक्स हमने बना ली, 10% रिकॉर्ड हमारा हो गया, हमको पेरियडिकली रिटर्न फाइल करने, तो रिटर्न का डाटा जो कंपाइल करना है उसमें हमको केयरफुल रहना है, क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर में आपको रिटर्न के डाटा में पूरी डिटेल देनी है, ऑल इनवाइस जो भी आपने 3 होल्डर्स को भेजा है, नॉन 3 होल्डर्स के लिए भी उन्होंने एक कॉलम दे दिया है कि भी आप एक साथ दे सकते हैं, लेकिन आगे वो भी रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं, लेकिन जैसा 44AD में था कि भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना, कपिल भाई ने बताया कि भी सेल्स टैक्स पर्सपेक्टिव और सर्विस टैक्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि मेंटेन करना है नहीं करना। मैं यहाँ सेल्स टैक्स के विवरण से कहूंगा कि आपको बिना बुक के आप चल ही नहीं सकते और बिना कंप्यूटराइज बुक के नहीं चल सकते आज के डेट में, क्योंकि आगे जो समय आने वाला है जीएसटी का तो टोटली टेक्निकल एरा रहेगा टैक्सेशन का, सॉफ्टवेयर ड्रिवन टैक्स है वो, तो उसके लिए आपको अभी से अपने अकाउंटिंग के सेटअप को रिव्यू करना पड़ेगा इस मार्च में भी और ऑनवर्ड भी, क्योंकि उसको रिव्यू के बिना आप आगे कोपअप नहीं कर सकते। तो हमको जब रिटर्न डालना होता है तो रिटर्न की हमारी पूरी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कंपाइल हो, हम रिटर्न डालते हैं, रिटर्न के बाद हमारा ईयर एंड हो जाता है, हमारे केसेस कुछ रिफंड की रहती है, तो मार्च के अंदर में हम देखते हैं कि अगर मेरा रिफंड कुछ, क्योंकि हमको कैरी फॉरवर्ड करने का एक ऑप्शन दिया हुआ है, पहले 1,00,000 रुपये तक का हम जो एक्सेस टैक्स पहले एक्सेस सेटअप है हम उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, 2 साल से उसकी लिमिट 5 लाख कर दी गई है, 5 लाख तक का कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आप सिर्फ रिफंड से बचने के लिए, रिफंड के हैसल से बचने के लिए अगर आप मार्जिनल उसमें हैं, अगर आपका कुछ 5,10,000 5,25,000 कुछ टैक्स लाइबिलिटी आ रही है, और इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि आपके ग्रुप में 4-5 यूनिट होते हैं, कई बार इंटरलिंकिंग भी होती है, लेकिन 5,25,000 का सपोज आपका रिफंड आ रहा है तो आपको क्या करना होगा कि भाई रिफंड अगर आपने दिखाया तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, फिर रिफंड की प्रोसेस के लिए आपके अगले 3 साल और वो पैसा ब्लॉक हो गया। यू कैन प्लान मार्च में कि भाई हमारे सिस्टर कंसर्न को एक बिल इशू कर दिया जिसमें मैंने 30,000 का सेटअप उसको पास ऑन कर दिया, 4,95,000 की मेरी कैरी फॉरवर्ड आ गई, तो सो दैट मैं इमीडिएट अपने अप्रैल के अगले क्वार्टर के रिटर्न में उसको यूज कर सकता हूँ, एक प्लानिंग हम मार्च महीने में ये कर सकते। दूसरी चीज, दिसंबर 2015 में एक अमेंडमेंट आया वैट के अंदर में कि गवर्नमेंट में बनिया हो गई, उन्होंने इंटरेस्ट का अपना स्ट्रक्चर पूरा चेंज कर दिया, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने लागू कर दिया। अगर दिसंबर 2015 के बाद आपका कोई भी कंप्लायंस डिले होता है या आपका टैक्स पेमेंट डिले होता है तो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ते जानी है जितना आप डिले करेंगे। आपका 1 महीने तक का अगर डिले है तो आपको 1.25% पर मंथ इंटरेस्ट है,
एक महीने से तीन महीने तक या अगले दो महीने अगर आपका डिले है तो 1.5% और उससे ज़्यादा अगर आपका पेमेंट डिले है तो 2% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये इंटरेस्ट कॉस्ट को भी बचाने के लिए, या क्योंकि आपको बाकी लोन या बाकी जो फंड हैं वो इससे कम रेट में अवेलेबल हैं, तो उसको इस तरह से एनालाइज करके भी आप इंटरेस्ट कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। इंटरेस्ट के अलावा जैसे आपका डिले होता है तो डिपार्टमेंट के एक्स पार्टी ऑर्डर्स चालू हो जाते हैं, तो एक्स पार्टी ऑर्डर्स को हम अवॉइड कर सकते हैं। यूनिलैटरल असेसमेंट के ऑर्डर्स आ जाते हैं, अगर हमने उसको टाइमली कंप्लाई नहीं किया तो वो डिमांड इंटैक्ट खड़ी हो जाती है, फिर रिकवरी प्रोसेस चालू हो जाती है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो टाइमली कंप्लाई करना सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है अभी आज की तारीख में वैट में और आने वाले रेजिम जीएसटी। जैसा कि कपिल भाई ने बताया कि बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में, कि बुक्स ऑफ अकाउंट अब 6 वर्ष पहले रखनी पड़ती थी, इनकम टैक्स के लिए अब 10 साल रखनी पड़ेगी, लेकिन अभी सेंटेक्स के अंदर में 8 ही साल तक रखनी है, लेकिन अब एमवेट का इरा खत्म हो रहा है, 2005 में उसका जन्म हुआ, शायद 1 जुलाई 2017 को बोतल बदल जाएगी, तो टैक्स तो वही है सेल्स टैक्स, उसकी बोतल बदल जाएगी, लेकिन उसको रिकॉर्ड रखना आपको जरूरी है 8 साल तक। दूसरा एक आस्पेक्ट जैसे कपिल भाई ने बताया था कि इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा आज कोई भी चीज बात करते हैं तो टीडीएस की, लेकिन सेल्स टैक्स के अंदर में जनरली यानी मैं कहूँगा 70% केसेस में इंडस्ट्री में जान सेल्स टैक्स का टीडीएस काटना होता है, वो नहीं काटते, क्योंकि 5 लाख के ऊपर के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं उस पर टीडीएस मैंडेटरी है, वो टीडीएस नहीं करते। और वो टीडीएस की आपको जब लाइब्रेरी पता चलती है, कब आपके असेसमेंट में जब वो देखते हैं कि भाई इस अमाउंट पे आपको टीडीएस देना करनी थी और आपने नहीं किया है, फिर उसके कॉज एंड कंसिक्वेंसेस चालू हो जाते हैं, तो उसको अवॉइड किया जा सकता है। अगर आपने थ्रू आउट द ईयर अभी तक फरवरी तक नहीं किया तो सो दैट मार्च में आप एटलीस्ट चेक करके उसको भर दीजिए। अभी बहुत सारे लोग अगर यहाँ अकाउंटेंट लोग भी हैं तो अभी 12-13 के असेसमेंट चालू है फाइनेंशियल ईयर 12-13 की, तो क्या होता था कि अगर मैंने प्रॉपरली मेरे परचेजर को ट्रैक नहीं किया हुआ है, उसने अपने जेवन में हमारी सेल नहीं दिखाई है, तो मुझे अभी मेरे J2 में मैंने क्लेम किया, मुझे सेटअप नहीं मिल रहा। 11-12 तक गवर्नमेंट का सर्कुलर था, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, कि आप सेलर से उसका लेजर कंफर्मेशन ला लेते तो उसके बेसिस पे आपको चेकअप मिल जाता, लेकिन 12-13 में वो प्रोविजन नहीं है। 12-13 और 13-14 में के जो असेसमेंट अभी ओपन है उसमें ये प्रोविजन नहीं है। आपको अगर आपका उन्होंने J1 में नहीं दिखाया है तो उनसे सप्लीमेंट्री J1 अपलोड कराना है, जब तक वो सप्लीमेंट्री J1 अपलोड नहीं होगा आपको सेटअप नहीं मिलेगा।